झारखंड और बिहार के कृषि विज्ञान केंद्रों की एक 3 दिवसीय संयुक्त कार्यशाला आज से रांची में शुरू हुई। राज्य में कृषि को उन्नत बनाने को लेकर यह कार्यशाला काफी अहम मानी जा रही है। झारखंड और पड़ोसी राज्य बिहार के सभी कृषि विज्ञान केंद्रों की एक संयुक्त कार्यशाला राजधानी रांची में चल रही है। 3 दिवसीय इस कृषि कार्यशाला का समापन 10 जुलाई को होगा। दरअसल दोनों राज्यों को मिलाकर कुल 68 कृषि विज्ञान केंद्र है और हर एक वर्ष इनकी एक संयुक्त कार्यशाला होती है। जानकारों के मुताबिक पूरे वर्ष की कृषि गतिविधियों के लिए यह कार्यशाला काफी अहम मानी जाती है। ये जो कार्यक्रम होता है ये साल में हम लोग एक बार करते हैं और पूरा जोन बिहार और झारखंड मिला के एक जोन है, जोन 4, जिसका हेडक्वार्टर पटना में है। इसमें 68 कृषि विज्ञान केंद्र है, 44 कृषि विज्ञान केंद्र बिहार के और 24 झारखंड के। इस कार्यशाला पर रोशनी डालते हुए एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट अटारी के निदेशक डॉक्टर अंजनी कुमार ने बताया कि कार्यशाला के पहले दिन कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा पिछले एक वर्षों में की गई गतिविधियों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें पूरे पिछले वर्ष जो कार्यकलाप हुआ, किसानों संबंधित, कृषि संबंधित जितनी भी एक्टिविटीज हुई है उसका यहाँ पे वो अपना प्रेजेंट करेंगे। श्री कुमार ने आगे बताया कि कार्यशाला के दौरान अगले एक वर्ष के लिए रणनीति बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि आवश्यक कृषि तकनीक और दूसरे अन्य विषयों पर गहन चर्चा के बाद एक ठोस कार्य योजना तैयार होगी जो कृषि को उन्नत बनाने को लेकर किसानों के लिए काफी मददगार होगा। और इस साल हमारा क्या काम करना है उसके कार्य योजना को पारित किया जाएगा और इसके आधार पर फिर नए साल हम इस साल हमारा काम चलेगा। फिर अगले वर्ष जो है हम इन कामों का लेखा जोखा देखेंगे और अगले साल की कार्य योजना बनाएंगे। मुख्य रूप से ये यही है। ICAR के उप महानिदेशक डॉक्टर US गौतम, रामकृष्ण मिशन के सचिव स्वामी भवेशानंद समेत झारखंड और बिहार के कई कृषि वैज्ञानिक और सम्मानित कृषक इस कार्यशाला का हिस्सा बन रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस कार्यशाला में जो रणनीति बनेगी वह झारखंड के किसानों के लिए काफी लाभकारी होगा।